पाली जिले के बाली पुलिस थाना क्षेत्र में 15 मार्च को युवा स्वास्थ्य कर्मचारी जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर 303 मांगों को लेकर बिलड़ा में कई समाज के संगठनों और लोगों ने ज्ञापन दिया। जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ, अम्बेडकर मेघवाल समाज, युवा विकास समिति परगना बिलड़ा, भारत स्वाभिमान मंच सहित अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशिक्षु IPS सोहनलाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन बताया कि 15 मार्च को युवा स्वास्थ्य कर्मचारी जितेंद्र मेघवाल के हत्याकांड को लेकर 303 मांगे रखी गई, जिसमें मृतक जितेंद्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और हत्याकांड मामले में जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित सुनवाई कर आरोपियों को कठोर सजा देने एवं जाति उन्माद से इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगवाने तथा संबंधित कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जो हुआ था उसके कार्रवाई के तहत यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम, जो कि सामंतशाही सोच को उजागर करता है। या आए दिन राजस्थान के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और जबकि दलित जो है कांग्रेस का राज में अपना आपको अच्छा महसूस करता है, उसके बावजूद भी जो है इतने सारे अत्याचार, हत्याएं, मार, डकैती मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि आप जो है उच्च स्तर पर ऐसी कमेटी बनाएं, जो कि यहाँ अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जिस प्रकार से ये ऐसी मनोदशा बन गई है उस पर एक विश्लेषण करें और क्या कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई वो करें। और इस पीड़ित पक्ष जो जितेंद्र मेघवाल है, इनके हत्यारों को जो है हम सभी फांसी की मांग करते हैं, और जब तक कठोर से कठोर सजा मिले ऐसी मांग करते हैं। और ऐसे परिवार के सदस्यों को एक तो नौकरी मिले और आर्थिक मुआवजा के तौर पर हम 1 करोड़ की मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। हमें आशा है कि हमारी मांग जो है CM साहब सुनेंगे और मानेंगे। धन्यवाद।